सरकारों ने पहले सनातन धर्म को जाति के आधार पर खत्म करने की कोशिश किया, जाति के आधार पर पहले योजनाएं लागू किया, फिर पेट नहीं भरा, जाति के आधार पर कमीशन बनाना शुरू किया, फिर पेट नहीं भरा, जाति के आधार पर कानून बनाना शुरू किया, फिर पेट नहीं भरा, तो बोला अब एक काम करो, इनको मैं मजहब के आधार पे, इनकी पूजा पद्धति के आधार पे तोड़ते हैं। 1993 में एक बड़ा काम किया, माइनॉरिटी एक्ट बनाया और जैन को हिंदू में से निकाल लिया, बौद्ध को हिंदू में से निकाल लिया, सिख को हिंदू में से नहीं निकाल लिया। आज भी जरा सोचिए, हिंदू मैरिज एक्ट से सब गवर्न होते हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो जैन पे भी लागू होता है, बौद्ध पे भी लागू होता है, सिख पे भी लागू होता है, हिंदुओं पे भी लागू होता है। लेकिन 1993 का एक्ट कहता है नहीं, हिंदू मेजोरिटी है, जैन बौद्ध सिख माइनॉरिटी। तो मतलब जाति के आधार पे तोड़ते तोड़ते पेट नहीं भरा था 1993 में, मजहब धर्म के आधार पे सिख जैन बौद्ध को बाहर निकाल लिया, फिर 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया, उससे भी 1993 में माइनॉरिटी कमीशन बनाया, 2006 माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दिया।